हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। ज्ञान सागर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको सीएमए फाउंडेशन से लेके इवन प्लेसमेंट तक की सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पे मिल जाएंगी। अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए फॉर दैट मैटर, तो आप हमारी वेबसाइट या सीएमए कार्ड पे जाके चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एबीसी एनालिसिस, हमारे पेपर नंबर 5 जो कि सीएमए इंटर का है, विच इज बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। देखो, वैसे तो ये है ही कि हमें बिल्कुल बिगनिंग से ही हर सब्जेक्ट प्रिपेयर करना होता है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टार्टिंग से हम कुछ कुछ चीजें होती है, क्योंकि इतने सारे आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो होता है कि हम थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा स्किप कर दे कि हम एंड में देख लेंगे। और उसमें भी अगर आप देखो तो आपका सिलेबस काफी लेंदी है, स्पेशली न्यू सिलेबस में तो इतना लेंदी सिलेबस है, तो आपने पूरा पढ़ा होगा, हमने क्लास में भी सब कुछ अच्छे से कवर किया है, बट अभी रिवीजन वाले टाइम पे एबीसी एनालिसिस के थ्रू मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप अभी रिवीजन कर रहे हो तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका एग्जाम में तो वेटेज काफी ज्यादा रहता है, और एग्जाम में जो टॉपिक्स जिनके आने की फ्रीक्वेंसी भी काफी ज्यादा रहती है, तो उससे क्या होगा कि आप अपना रिविजन उस अकॉर्डिंग कर पाओगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो करने ही है, क्योंकि फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि अच्छा अभी कोर्स नहीं हो रहा है तो कुछ टॉपिक को हम छोड़ के जाएंगे, बिकॉज हमें लगता है इतना लेंदी है अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आज की वीडियो में हमें यही देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज ऑफ देयर हाई वेटेज एज वेल एज उनकी फ्रीक्वेंसी भी काफी ज्यादा है। जो आपका एनालिसिस हम पूरा देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होंगे जिनका वेटेज कम है, ऐसा नहीं है उनको छोड़ के जाना है, बट ठीक है, अगर आप प्रायोरिटी दो तो उसको कम प्रायोरिटाइज कर सकते हो। वेयरएज जो आपकी बिगिनिंग वाली कैटेगरी है, स्पेशली कैटेगरी ए, उसमें हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका हाईएस्ट वेटेज है, जिन पे आपको फोकस करना ही है, कुछ भी हो जाए आपको उसको स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट कर लेते हैं। पेपर नंबर हमारा 5 है। सबसे पहले अगर हम बात करें कैटेगरी ए के बारे में, तो देखो कैटेगरी ए में हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, इसका मतलब ही चारों टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर आप देखो तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंपनीज एक्ट के हैं। एज यू ऑल नो, कंपनीज एक्ट का हमारा जो पूरा वेटेज है, वो पूरा वेटेज भी कितने मार्क्स का है अपने पूरी बुक में, 40 मार्क्स का वेटेज तो अकेले कंपनीज एक्ट का ही है। ठीक है, सो कंपनीज एक्ट तो हमें कैसे भी करके स्किप करना ही नहीं है, और इसके अलावा आपको याद होगा एथिक्स, एथिक्स भी अपना 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, तो अगर आप ये पढ़ लेते हो तो 55 तो आपके मतलब मोर देन 50% तो आपका यही सिक्योर हो गया। ठीक है, और एक हमने क्लास में भी बात की थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये पढ़ लोगे अगर आप अच्छे से, तो इसके बेसिस पे पासिंग लाना कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। बट हमें सिर्फ पासिंग नहीं लाना है, हमें एग्जेम्पशन के बारे में भी सोचना है। बट जो अगर आपको लगता है ना कि कुछ लोग बहुत डरते हैं थ्योरी से, तो अगर वो और ज्यादा बेटर नहीं कर पा रहे चीजों को, कि नहीं रिटेन रह रहा है कुछ रह रहा, ये 3 टॉपिक्स तो आप इतना अच्छे से कर लो कि आपके पासिंग मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें, देखो सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो गिवन है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक कंसेप्ट्स। आपको याद होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसमें हमने एक तो जनरल कंसेप्ट पढ़े थे, एंड देन हमने स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे। जनरल कंसेप्ट तो आपको पता है आपके फाउंडेशन से आते हैं, तो हमने ये क्लास में भी देख ही लिए थे अच्छे से काफी। तो जनरल जो कंसेप्ट्स है उसका वेटेज देखो यहाँ पे, अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी भी रहती है, आती ही है हमेशा, और 11 मार्क्स का एवरेज है। अब आप देखो कितना ज्यादा, क्योंकि 10 मार्क्स का अगर अपन बात करें बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग 11 मार्क्स मतलब वही हो गया। तो 11 मार्क्स अगर आपको एवरेज कॉन्ट्रैक्ट से मिल रहे हैं, वो भी कौन से बेसिक कॉन्ट्रैक्ट जो आपका फाउंडेशन का टॉपिक है, तो उसमें कितनी अच्छी बात हो गई यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद जो अपना 2 और 3 है, 2 और 3 वाले टॉपिक्स दोनों ही कंपनीज एक्ट के हैं। ठीक है, देखो अब जो सेकंड वाला टॉपिक है वो आपका है कंपनी की टाइप्स, प्रमोशन, फॉर्मेशन, मतलब पूरा जो अपना इंट्रो वाला पार्ट है कंपनी का, वो सारा पोर्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स किए हैं, MOA हो गया, आर्टिकल्स वाला चैप्टर हो गया, इवन कन्वर्जन हो गया, देन अपना पूरा जो स्पाइस प्लस का टॉपिक आता है, हमने पूरा प्रोसेस कवर किया है, वो पूरा टॉपिक हो गया, देन डिबेंचर डिपॉजिट और जो भी है चार्जेस वगैरह, वो सब मिलाकर यहाँ पे बताया गया है। तो देखो कितने मार्क्स का है, 17 मार्क्स का वेटेज है। तो पूरा कंपनीज एक्ट के अगर अपन टॉपिक्स देखें अदर देन डायरेक्टर्स,
ठीक है। सो जो अपने वो एंडिंग के डायरेक्टर्स वाला टॉपिक है, डायरेक्टर्स वाले टॉपिक का अकेला वेटेज 13 का है। तो आप देखो, मैंने आपको क्लास में भी काफी बार बताया था, डायरेक्टर्स वाला जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो हमें बहुत ही ध्यान से करना है। एंड बाकी मतलब इसको भी आप छोड़ो, पूरी कंपनीज एक्ट जो भी हमने कॉपी में नोट्स बनाए ना, अगर आप वो नोट्स भी पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार नोट्स पढ़ो, एक बार बुक की लैंग्वेज भी आपको कवर करनी होती है, वो हमने सब बात कर रखी है। बट हाँ, उसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर हैं, जो भी आपके मॉड्यूल में एक एक टॉपिक है, तो वो पूरा ही आपको पढ़ना है। कोई भी चैप्टर स्किप मत करना कंपनीज एक्ट का, क्योंकि वहीं पे आपको 40 मार्क्स तो देख लो मिल ही जाएंगे, ठीक है। सो अपना 2 और 3 हो गया यहाँ पे कंपनीज एक्ट। अब चलते हैं अपने फोर्थ वाले पॉइंट पे। फोर्थ अपना एथिक्स है, ठीक है। जो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसका वेटेज हमें 15% 15 मार्क्स का गिवन है। आपने देखा होगा एथिक्स कितना मतलब शॉर्ट एंड प्रिसाइज दे रखा है आपको, और वेटेज उसका कितना अच्छा खासा है। इसका मतलब कितना कम एफर्ट है और कितना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो क्या ही प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, एथिक्स में कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट के सेक्शन नहीं याद करने, कुछ नहीं याद करना, तो बेसिक बातें हैं एथिक्स के बारे में। तो अगर आपने एक बार रीड भी कर लिया तो आप अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको बहुत ही इजीली लिख सकते हो। नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, जो अपना एथिक्स है उसको भी हमें अच्छे से कवर करना है। देखो एथिक्स का वेटेज कितना है, 13.5। तो अगर आपने ये कंपनीज एक्ट, एथिक्स और कॉन्ट्रैक्ट, यही वाले टॉपिक्स भी अच्छे से कवर कर लिए, आप लॉ में क्लियर कर ही लोगे, ठीक है। सो ये हो गया अपना कैटेगरी ए, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो कुछ भी हो जाए हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने कैटेगरी बी पे। कैटेगरी बी को आप कैटेगरी ए से ऑब्वियसली थोड़ी सी कम प्रेफरेंस दे सकते हो, पढ़ना सब कुछ है, बट पहली प्रायोरिटी ऑब्वियसली कैटेगरी ए को जाएगी। चलो कैटेगरी बी में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारा कौन सा एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स। मैंने बताया था जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लोगे तो आपको सुगम में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अपना छोटा सा ही है और इसके एवरेज मार्क्स 4.4 है। वेटेज भी अपना मॉड्यूल के अकॉर्डिंग 5% का ही है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन आता है अपना एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। इसका वेटेज जो है वो कितना दे रखा है यहाँ पे, 7 मार्क्स का दे रखा है। अगेन ये वाले चैप्टर्स आपके फाउंडेशन से आ रहे हैं, तो आपने फाउंडेशन में भी किया होगा, अभी आपने वापस पढ़ लिया तो इसमें तो आपको एज सच कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, बिकॉज रिविजन ही हुआ है। कुछ टॉपिक्स नो डाउट एक्स्ट्रा हैं, बट स्टिल आपको ये पहले से भी आते हैं, सो नेगोशिएबल। अच्छा, देन इसके बाद में आपको याद हो अपना इंडस्ट्रियल लॉ है। इंडस्ट्रियल लॉ में अपना टोटल जो वेटेज है वो टोटल वेटेज अपना कितने हैं, 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो अगर हम देखें उसमें चार चैप्टर्स, चारों चैप्टर्स का मिलाकर वेटेज एज पर मॉड्यूल 10 मार्क्स दे रखा है, और एक कोड ऑन वेजेस है, कोड ऑन वेजेस का आपको दे रखा है 5% का। तो अब उसमें से हमें लगता है कि यार देखो कंटेंट बहुत सारा है, नो डाउट, और हमें लगता है कि इतना सारा पढ़ के कितने कम मार्क्स आ रहे हैं। तो उसमें से भी आप जो प्रायोरिटी दोगे वो ये दो चैप्टर्स को दोगे, फैक्ट्रीज एक्ट और ग्रेचुटी एक्ट। ये हमने क्लास में भी बात की थी, मैंने आपको तब भी बताया था, एक तो फैक्ट्रीज एक्ट जो है उसको अच्छे से देखना है हमें, और एक जो अपना पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी है उसको हमें अच्छे से देखना है। तो ये दो टॉपिक्स, और एक कोड ऑन वेजेस भी आप देख लेना। कोड ऑन वेजेस ओल्ड सिलेबस में हमारा नहीं था, ठीक है, वो न्यू सिलेबस में है, तो उसको देख लेना, उसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर हम देखें फैक्ट्रीज एक्ट तो कितना है उसका, 6 मार्क्स। एंड देन यहाँ पे अगर हम देखें ग्रेचुटी का तो 5 मार्क्स का है, ठीक है। सो ये ओवरऑल मिलाकर है, पुराना वाला भी, अभी न्यू के अकॉर्डिंग तो सब कंबाइंड हो गए हैं। बट अगर आप देखो इंडस्ट्रियल लॉ में भी, तो प्रायोरिटी आपको इन दोनों चैप्टर्स को और एक कोड ऑन वेजेस को देनी होगी, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी कैटेगरी नंबर सी। जो भी अपने रिमेनिंग सारे के सारे चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स हमारे कहाँ आ जाएंगे, कैटेगरी नंबर सी में आ जाएंगे। तो जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, जैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो जनरल वाला पार्ट था वो हमने देख लिया, फर्स्ट कैटेगरी में आ गया। तो जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको यहाँ पे दिया है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अभी तक नहीं पूछे गए हैं, बट ठीक है नहीं पूछे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी देखो न्यू सिलेबस, अपन कुछ नहीं कह सकते हैं कि ओल्ड के अकॉर्डिंग अभी कैसा पैटर्न रहेगा। तो आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा वेटेज 10 मार्क्स का है ना, आप पूरा अच्छे से पढ़ना। जनरल वालों को आप फोकस ज्यादा कर लोगे नो डाउट, बट आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से देखोगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो अपने स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी वेटेज ज्यादा नहीं है, बट ठीक है हमें तो देखना ही है।
चलो अब चलते हैं आगे। आगे क्या है अपना नेक्स्ट, बेलमेंट और एजेंसी, ये भी अपना स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है। तो अगर अपन देखें यहाँ पे मिलाकर भी तो 6 मार्क्स के अप्रॉक्स तो आपके आ ही रहे हैं ना। तो अगर हम वहां पे देख रहे थे, देखो पार्ट ए में, पार्ट ए में आपके कितने आया कॉन्ट्रैक्ट से, 11। और अगर हम इसमें देखें पार्ट सी में, तो ये आपके सारे पार्ट्स मिलाकर कॉन्ट्रैक्ट के 5 से 6 नंबर यहाँ बन गए। तो 11 और 6 तुम देखो 17 मार्क्स का तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल ही रहा है ना। तो क्या दिक्कत है, आप पूरा ही पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। स्पेशल भी यहाँ पे अगर अपन कंबाइन करें तो 6 मार्क्स का तो हो ही रहा है ना, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, चाहे जनरल हो चाहे स्पेशल हो, सब पढ़ना है हमें। अब आते हैं हम लोग आगे। अच्छा, ये जो दो आपके एक्ट्स हैं, ये दो एक्ट सिंपल ही हैं, LLP एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। यहाँ पे एज सच आपकी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ठीक है ये जो एक्ट्स हैं ये आप 11-12 से भी पढ़ते हुए आ रहे हो, तो यहाँ पे इसको एंड में आप देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा वेटेज एज सच इसका है भी नहीं। पार्टनरशिप एक्ट का अपना 2 का ही है और यहाँ पे LLP एक्ट का 3.8, 4 के आसपास आप मान लो, ठीक है। सो ठीक है, आप इसको देख लेना, थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है बट ईजी है अगेन। चलो अब आते हैं हम लोग जो रिमेनिंग अपने चैप्टर्स बच गए किसके, इंडस्ट्रियल लॉ के, है ना। तो कौन कौन से, एक तो अपना ESI और एक EPFO, प्रोविडेंट फंड वाला और जो इंश्योरेंस वाला है। अब एम्प्लॉय इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड ये दोनों मिलाकर आपको 6 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सो अगर किसी को लगता है लेबर लॉ में, इंडस्ट्रियल लॉ में आज से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप प्रायोरिटी किसको दे दोगे, जो ऊपर हमने 3 चैप्टर्स की बात की थी, बाकी इन दोनों को आप एंड में। देखो ग्रेच्युटी और फैक्ट्रीज एक्ट तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, ये हमने क्लास में भी काफी टाइम देकर और अच्छे से किया था। सो इस तरीके से आप पढ़ो, पढ़ना हमें सब कुछ है, ठीक है, बट ऐसे पढ़ना है जो टॉपिक्स रिपीटेड हैं उनके अकॉर्डिंग। अब देखो अभी कम टाइम है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ये माइंडसेट अभी भी है कि हाँ हम थ्योरी एंड में पढ़ते हैं। अगर आप ऐसा है कि अब स्टार्ट कर रहे हो तो कैटेगरी ए तो इतना अच्छे से पढ़ लो कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए। तो इसकी समरी अल्टीमेटली अपनी क्या निकली, हमारी समरी यही निकली कि एक तो हमें कंपनीज एक्ट एंटायरली बहुत ही अच्छे से देखना है, सेकेंडली अगर हम बात करें तो हमें देखना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और तीसरा हम बात करें तो हमें देखना है एथिक्स। ये अगर आपके तीनों टॉपिक्स अच्छे से कवर हो गए, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको इसमें से, जितना है कंटेंट सारा कवर करना है, तो आप गारंटी ले लो पास तो आप हो ही जाओगे, ठीक है। बट ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी एकदम एंड में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको तो सारा ही देखना है, और इवन जो एंड भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 3 देखने हैं, ये 3 बहुत अच्छे से देखने हैं, पर अभी कम टाइम है तो इस पे आप अपना टाइम ज्यादा यूटिलाइज करना, और जो रिमेनिंग वाले टॉपिक्स है उस पर आप अपना टाइम कम दे सकते हो इस तरीके से। अच्छा, दूसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी थ्योरी पेपर में, राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है हमें, राइटिंग प्रैक्टिस से मेरा मतलब है यहाँ पे यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। देखो हमने क्लास में, आपको ध्यान होगा, बहुत बार आपने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं और आपने करके चेक भी करवाया, और उससे भी हमें बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, आपने देखा होगा न्यू सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग 7-7 मार्क्स के हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं। अब 7 मार्क्स में मान लो कंटेंट है बुक में 2 से 3 लाइंस का, तो आप कैसे लिख कर आते हो, या फिर मान लो बुक पे कोई कंटेंट है 5 से 6 पेजेस का, अब उसको कैसे समराइज करते हो इनटू 7 मार्क्स, वो वाली सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो वो हमने काफ़ी डिस्कस की है क्लास में भी। इसके अलावा आप ये प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी कॉपी अच्छे से आपने प्रेजेंट किया है आंसर को, देखो हेडिंग्स बनानी है हमें, अंडरलाइन करना है, पैराग्राफ्स अवॉइड करना है हमें, पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स में लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, जितने पॉइंट्स हो सके उतने आप लिख कर आओ। सो प्रेजेंटेशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इस तरीके से आप अपने लॉ का पेपर प्रिपेयर कर सकते हो, ऐसे प्रिपेयर करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।